जनाब जलेबी तैयार हो रही है यहाँ पर। ओह हो वाह भाई वाह ज़बरदस्त। अच्छा जी अब ये इसको लेकर जा रहे हैं शीरे में, इसको बिल्कुल जो है डिबो दिया जाता है इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और मेरे साथ हैं दासराज। इस वक्त हम मौजूद हैं आयशा मंजिल पर, और चूँकि सर्दियों की आमद आमद है और सर्दियों की जब आमद होती है तो कुछ अपने साथ सौगात भी लेकर आती है। क्या ख्याल है दाह भाई? तो दमदल के बारे में दाह भाई आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि राशिद भाई ने बताया कि सर्दी अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सौगातें भी लेकर आती है, तो इसी ख़ास सौगात के लिए हम दमदल पर आएँ जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सौगातें हलवे की शक्ल में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हलवा जात मिल रहे हैं, जिसमें से लौकी का हलवा मौजूद है, गाजर का हलवा मौजूद है, चने की दाल का हलवा मौजूद है और अखरोट की दाल का हलवा। तो ये सारे आइटम जो है वो सर्दियों के हिसाब से हैं और सर्दियों में ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप लोगों को भी बताते हैं किस तरह से ये हलवा जात तैयार हो रहे हैं और इनका जायका कैसा है। अच्छा, आपको कौन सा हलवा पसंद है नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको गाजर का पसंद है, लौकी का, चने की दाल का या अखरोट का। तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। ऑन है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं हलवा जात की तरफ। जो जो हलवे आपको बताएं हम जा रहे हैं सामने, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का जो है वो गाजर का हलवा है और कितने बड़े थाल में जो है लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसको। राशिद भाई दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, खोया है, चांदी का वर्क है और मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें डली हुई हैं। लौकी का हलवा है, इसको भी इस तरह गार्निशिंग हुई हुई है। ये दाल का हलवा है और इसमें मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि गोंद भी डली हुई है और बादाम, पिस्ते, काजू, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये है जनाब अखरोट का हलवा, देखें अखरोट की बाहर आई हुई है ज़बरदस्त वाली, अखरोट डले में रोकिए। सबसे पहले तो जब जिसको धोते हैं, धोने के बाद इसको छीलते हैं, छीलने के बाद इसको काटते हैं साफ़ सुथरा करके, फिर इसको पानी में उबालते हैं, इसको खुश करके फिर इसके अंदर जो है अपना लवाजमात डालते हैं, खोया डालते हैं, इसके अंदर हसबे जाएगा, इसके अंदर चीनी डालते हैं, इसको पकाते हैं। पकाने के बाद फिर जहाँ थाल में ये सजाया जाता है इसके अंदर बादाम डालते हैं, इसके अंदर मुरब्बे डालते हैं, जितने भी लवाजमात हैं वो डालते हैं इसके अंदर, और फिर इसको तैयार करके यहाँ दुकान पर लगाते हैं इसको बेचने के लिए। ये दाल माछ का हलवा है जी, ये दाल माछ का आटा होता है, इसको पकाते हैं कढ़ाई में, इसमें घी डालते हैं, घी में भून के फिर इसको बना के इसके ऊपर फिर मखाने लगाते हैं। ये लवाजमात है, इसके ऊपर ये बादाम है, अखरोट हैं, ये इसके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद तैयार करते हैं, तैयार करके दुकान पे लगाते हैं भैया। अच्छा, लौकी के हलवे में बताइएगा कि ये अमूमन वैसे तो लौकी तैयार होते हुए ऐसा लगता है कि काली हो जाती है, मगर बड़ी ज़बरदस्त कलर आया हुआ है, खुशनुमा कलर आया हुआ है, तो इसमें कलर डाला गया या नहीं? सर, कोई इसमें कलर नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये इसी तरह की। ये देखो पकाने पकाने का फ़र्क होता है बनाने का, ज़्यादा पकाएँगे तो काली होगी। गलाया जाता है इसको, उबाला जाता है, पकाया जाता है और उसके बाद इसको तैयार करके यहाँ पर थाल में सजाते हैं, लगाते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये जनाब जलेबी तैयार हो रही है यहाँ पर। ये जनाब जलेबी का शीरा है और ये तेल की कढ़ाई है जहाँ पर जलेबी तली जाएगी, उसकी पूरी पूरी तैयारी हो रही है जनाब। ओह हो वाह भाई वाह ज़बरदस्त। ये जलेबी जो है ना, अंग्रेज़ सोचते होंगे कि भाई किस तरह से बनती है। वाह भाई वाह। ये जनाब पाकिस्तान की ख़ास सौगात है जलेबी। ये सिकेगी, उसके बाद फिर इसको ये जो शीरा रखा हुआ है यहाँ पर डाला जाएगा। अच्छा, जलेबी भी जो है वो सर्दियों में भी खाई जाती है और ख़ासकर मैंने देखा है दूध जलेबी जो है वो पंजाब साइड पर जो है मैंने देखा है कि दूध जलेबी जो है लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन वो जलेबी उसमें शीरे नहीं होते, जो दूध और एक तरह से वो थोड़ा सा मरहूब नाश्ता भी, हेल्दी डाइट भी है। जी बिल्कुल। ये जलेबी पलटी आ रही है
क्योंकि इसकी एक साइड जो है वो सीख चुकी है, अब ये दूसरी साइड पे इसको सिखाएंगे। जलेबी अच्छी। अच्छा जी, अब ये इसको लेकर जा रहे हैं शीरे में, इसको बिल्कुल जो है डिबो दिया जाता है इसको, इसको कहते हैं ना ये कश्ती वहीं डूबी जा, पानी कम था, ये कम शीरे में जो है वो जलेबी को अंदर डिबो दिया गया है। एक और देनी है। पूरा डिप करने के बाद अब जलेबी को यहाँ से निकाल कर ये ट्रे में डाला जाएगा। अब ट्रे में डालने के बाद जनाब ये ट्रे जाएगी वहाँ सामने काउंटर पे, क्योंकि ये सेल होती है, वहाँ सामने काउंटर पे लेके जाएंगे इसको। अच्छा जी, ये हलवे का जो सीन है ना वो इस तरह से है कि चार जो है वो थाल बड़े में, उसमें सबसे बड़ा थाल जो है वो गाजर के हलवे का है, फिर लौकी का हलवे का है, इसी तरह दाल का हलवा और अखरोट का हलवा। तो सबसे बड़ा जो थाल है ना वो गाजर का है और ठीक ठाक बनता भी है यहाँ पर, उसकी सेल भी ज़्यादा है। अच्छा, ये शाम को अमूमन लोगों ने अब खाना शुरू कर दिया, ये छोटे मोटे स्नैक्स जो हैं, इसमें पिज़्ज़ा भी है, अब बन भी है और क्रूसोट, ये क्या कहलाता है जी, चिकन क्रॉस भी है, और ये मेरा ख्याल है बर्गर बनाए हुए इन्होंने। ये जनाब, अच्छा जी, सबसे पहले जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को वो लौकी के हलवे का रिव्यू दे रहा हूँ। उसमें आप देखें इन्होंने खूब ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं और मेवे वगैरह भी मौजूद हैं, खोया भी मौजूद है। अब बारी है चखने की और रिव्यू देने की आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है और लौकी बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है, चीनी ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, यानी कि बहुत दफ़ा चीनी इतनी ज़्यादा होती है कि होठ चिपक रहे होते हैं और आपको जो है ना मीठा जो है अच्छा नहीं लग रहा होता, मगर इसमें चीनी भी बैलेंस हुई हुई और मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। अच्छा, तो नाज़रीन मेरे पास आ गया है गाजर का हलवा, और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं आपको तो पता ही है कि कराची में जगह जगह गाजर के हलवे जो हैं वो बिकने शुरू हो जाते हैं, ख़ासकर ये बड़े बड़े जो स्वीट्स हैं, दमतल स्वीट्स हो गया, कसरशीरी हो गया, दिलपसंद हो गया, यहाँ पर आपको गाजर का हलवा लाजमी मिलेगा। तो ये दमतल का गाजर का हलवा है, ये हम ट्राई करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की ये इन्होंने खोया डाला हुआ है और ये मुरब्बा भी है और कुछ नट्स वगैरह भी डाले हुए हैं। ये मैं चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बतीन भाई ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है असली घी में शायद ये बना हुआ है, इसके अंदर जो एक तरह से स्मेल जो आ रही है घी की वो असली घी की आ रही है। और गाजर जाहिर सी बात है कि सीज़न भी है गाजर का, और खोया और बादाम ये सारा मिलके जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा दे रहा है, बेहतरीन है जी, एवन। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमने जो है हलवा तनावल फरमाया है, और गाजर का, लौकी का और दाल का भी बड़ा ज़बरदस्त होता है भाई, क्या ख्याल है? दाल का ज़बरदस्त भी, और यानी कि मुनफरद आइटम है, मैंने आज तक तो कहीं नहीं देखा कि दाल का हलवा जो है वो थोड़ा मीठा ज़्यादा मुझे लगा, मैंने बताया भी इनको, चूँकि उनकी रेसिपी ज़्यादा इसी स्टाइल में ही होगी, गाजर में थोड़ा कम मीठा डलता होगा तो उस लिहाज से जो है हमें थोड़ा ज़्यादा लगा। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।